1 2 3। नमस्कार, मैं संदीपन बैनर्जी और मैं विमल कुमार। नमस्कार तमाम लोगों का, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने अपने YouTube चैनल्स में, अपने अपने YouTube। इस बार मैंने और संदीपन ने ना एक नया एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया। टीम इंडिया तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, तो हमने सोचा एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमने सोचा दोनों अलग अलग अपने YouTube चैनल में प्रोग्राम करेंगे, बातें करेंगे, तो इससे बेहतर है कि दो कैमरा लगा देते हैं, है ना। मैं भी बात करूंगा, संदीपन के चैनल पे भी ये चैट को देख सकते हैं और विमल कुमार के चैनल पे भी ये चैट देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। संदीपन, अभी तो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन मायूसी का दिन है। जो एक्सपेक्ट किया था हमने कि डे वन WTC फाइनल, आप इतने फैन से बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आपका लाइव भी देख रहा था, दूर दूर से फैन आए हैं। डे थोड़ा सा इंडिया ने थोड़ा सा उसमें जो स्पॉइलर नहीं हो गया। संदीपन, मेरे को लगता है दो तीन बातें हैं, तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। नंबर एक, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। आपने भी इतनी टेस्ट क्रिकेट कवर की है और इस टेस्ट को अल्टीमेट फॉर्मेट कहा जाता है, अल्टीमेट टेस्ट। और आप अगर चैंपियन टीम है, मुझे लगता है कि आप 2 साल आपने डोमिनेट किया, आपको ये ट्रॉफी जीतनी है तो आपको कम बैक करना पड़ेगा। आपने अगर कोई डिसीजन गलत लिया, मसलन मान लीजिए कि रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर, वो मुझे लगता है अब हाइंड साइड में आप देखोगे तो डिफेंसिव डिसीजन था डेफिनेटली। तो फिर आप ये एग्री कर रहे हैं कि डिफेंसिव? आई थिंक अब अगर देखो, आई थिंक अगर अदरवाइज नहीं तो सब लोग कह रहे थे कि, और ये दुनिया का तकाजा है भाई। मैं मुझे याद है ईएन चैपल ने कहा था रिची बैनो का, आप टॉस जीतो पहले बैटिंग करो, 100 में डब्ल्यूजी ग्रेस का भी वही कहते थे कि 100 में 90 टाइम आप बैटिंग करो, 10% डाउट है सोचो लेकिन फिर बैटिंग करो। जी हां, तो ये बात चरितार्थ होती है। तो देखिए, आपको लग रहा है कि जो आज तो इंडिया के लिए अच्छा मौका था, टॉस भी हम इम्पोर्टेंट मैच पे जीत चुके थे फाइनल में, हालांकि हम टॉस जीतते नहीं है जीत चुके थे, कंडीशन जो फोरकास्ट था बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था, संदीप मैं माफी चाहूंगा आपको, मैंने बीच में टोका। मैं कल बात कर रहा था और मैं यही चाह रहा था कि भाई ये टॉस ऐसा ना ट्रिकी डिसीजन है, टॉस हार जाते बेटर है। लेकिन पैट कमिंग्स कह रहे थे कि वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं। हाँ, तो इंडिया का फायदा होता ना अगर वो फील्डिंग करते। दोनों टीमों का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे खराब है, खराब है। दोनों ने मिसरीड किया कंडीशन। हाँ, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जो आप बात बोल रहे हैं, पैट कमिंस कह रहे हैं कि भाई वो भी वही करते, यानी रोहित को आप ब्लेम नहीं कर सकते एंटायरली कप्तानी। दोनों टीम ने मिसरीड किया, दोनों टीम को दिखा घास, लेकिन ऐसे कंडीशन में घास तो वो हाथी के दांत के जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल खाने के दिखाने का। और मुझे लगता है संदीपन एक चीज़ ये है कि ये टीम लंदन में थी 2-3 दिन से, इन्होंने देखा लगातार, आपने भी देखा धूप आ रही थी लगातार धूप, कल सिर्फ गलती से 4 घंटे रह गया ओवरकास्ट, तो मुझे लगता है कि उसी में इन्होंने सोचा कि यार यही होगी। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मन में था कि अगर हम बैटिंग करते हैं और अगर हमारे 4 या 5 चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का अटैक लीथल है, लेकिन नो डाउट उनके पास जो बॉलिंग अटैक है 3 है, तो मे बी इन हाइंड साइड की 50 पे 4 हो जाता। मैं अभी भी कहूँगा, तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि अभी भी सब चीज़, अब आप सोचिए आज तो अभी भी आप सोच रहे हो कि भाई चलो कल ओवरकास्ट रहा 2 घंटे, ठीक है ना, दो बृहस्पति को अगर गुरुवार को ओवरकास्ट रहेगा हम कम बैक कर सकते हैं 5 विकेट लेकर। लेकिन अगर आज सोचिए, अगर आज आपके लंच तक में 50 पे 5 रहते, ऑल आउट हो जाते 102 या 105 पे, तो मैच ही खत्म हो गया। अभी तो आप ये तो नहीं कह सकते मैच खत्म हो गया। नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही है, क्योंकि मुझे और एक पॉइंट जो लगा है यहाँ पर, लास्ट जब इंडिया ने ओवल में टेस्ट मैच खेला था 2021 में, इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग किया था, 191 पर ऑल आउट हो गया था। शायद वो भी एक मेमोरी हाइंड साइड में रहा होगा, अरे यहाँ पर ना सुबह फर्स्ट इनिंग्स में खेलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इंडिया ने थर्ड इनिंग्स में यहाँ पर जाकर 466 रन बनाए थे। तो शायद वो डिसीजन, जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे विकेट बेहतर होता जाएगा, ये शायद मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा। निश्चित तौर पे एक फैक्टर वो भी रहा होगा, दूसरा फैक्टर संदीपन ये भी रहा होगा कि आप अगर यहाँ पर देखें काउंटी मैचेस जो हुए हैं, वहाँ पर टीम्स हैं जो लोकल टीम्स हैं वो टॉस जीत कर उन्होंने पहले फील्डिंग ही किया है ना, तो उसको भी आप आउट रूल, आप कहीं भी जाते, अगर आप यहाँ पर लोगों की, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कोलकाता से हैं, ईडन गार्डन में अब कोई टेस्ट मैच हो रहा है, आपने देखा उस सीजन रणजी ट्रॉफी में 10 मैच हुए हैं, 10 मैच में बंगाल की टीम ने टॉस जीत कर फील्डिंग किया है ना, और हर बार जो विजिटिंग टीम रहा है 100 150 200 पे ऑल आउट हुआ है, तो टेस्ट कप्तान तो देखेगा ना वो रिकॉर्ड, तो सरे का ओवल में भी वही रिकॉर्ड है। इससे मुझे लगता है आप एंटायरली रोहित को जो है ब्लेम नहीं कर सकते। और पुजारा भी बहुत दिन से यहाँ पर क्रिकेट खेले, वो कप्तान है ससेक्स के, वो ऐसे डिसीजन टॉस जीतने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसीजन लेते हैं,
उनका भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस रहा होगा, उन्होंने भी कहा होगा चलो ठीक है फील्डिंग कर लेते हैं, विकेट बेटर होता जाएगा। तो चलिए जो भी हुआ देखिए उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कल हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं कि हम कमबैक करें इस मैच में। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी कमबैक जो इंडिया करेगी चांस है, मुझे ये 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 टीम ने दिखाया है कई मौके पर। मोहम्मद शामी आज अनलकी रहे, मोहम्मद सिराज से भी विकेट की उम्मीद थी। थोड़ा सा अगर देखा जाए उमेश यादव जो हैं वाकई उन्होंने मायूस किया है, शार्दुल ठाकुर भी ऐसा नहीं कर पाए, इन पे दबाव है। मुझे लग रहा है कि आज जाके सोचेंगे ये प्लान थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे। आज रन भी ट्रैविस हेड ने जिस तरह से एग्रेसिव बैटिंग की, मैं सुन रहा था किसी को, कोई कह रहे थे कि वो मिडिल ऑर्डर के वीरेंद्र सहवाग हैं, उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा अटैक नहीं किया गया जब ऊपर बैटिंग कर। पारस मामले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आके बोला कि हम के उनको पहले से शॉर्ट बॉल के लिए अटैक करना चाहते थे, बाद में कर दिया अटैक थोड़ा सा। 90 ऑड पे जब बैटिंग कर रहे थे तब देखे आपने वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे, उनसे रन नहीं बन रहे थे, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था कि कहाँ बॉल जा रहा है, कहाँ खेल रहे हैं। प्लस संदीपन मुझे लगता है आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत लोगों को लग रहा है, हमारे दर्शकों को लग रहा है कि यार इंडिया ख़राब खेली, लेकिन ये पिच भी, ये मुझे जो आप तो अहमदाबाद में थे, आपको थोड़ा सा अहमदाबाद वाला झलक नहीं दिख रहा इस पिच में? उतना भी फ्लैट नहीं था, यहाँ पर कुछ तो हो रहा था यहाँ पर, लेकिन जो है मुझे जो लगा यहाँ पर, ऑब्वियसली आपको स्टीव स्मिथ को क्रेडिट देना, जिस तरीके से स्टैबिल सेट चलिए एक तरह से अटैक कर रहे थे, जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की आज काबिले तारीफ, चांसलेस। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको हॉन्ट करेगा अश्विन डिसीजन, हॉन्ट करेगा क्योंकि स्टीव स्मिथ के खिलाफ उनका रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मैचअप्स का हम बात करते हैं, मैचअप्स देख लीजिए। और अश्विन का जो आपने वो क्वेश्चन भी पूछा पारस मामले से, हमारे दर्शकों को थोड़ा बोल दीजिए कि क्या टीम थिंक टैंक थिंक थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि अश्विन ऐसे जैसे चैंपियन बॉलर को जब ड्रॉप किया जाता तब? मुझे लगता है कि ये लॉजिक अब होल्ड नहीं करती है। आप देखिए आप कह सकते हो कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस और ये सारी तमाम बातें कर सकते हो, लेकिन अश्विन इतना बड़ा प्लेयर है, वो सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी कह रहा है कि अश्विन के लिए पिच जो है आउट ऑफ आप इक्वेशन में ले लेते हैं, तमाम मैं एक्सपर्ट को सुन रहा था, रिकी पॉन्टिंग ने कहा, हुसैन कह रहे हैं, तो इन लोगों का अगर ये कहना है और आपको वो तो ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इंडिया ने सोचा कि ये पहले दिन ही पिच है, 5 दिन आपको खेलना है, उन्होंने बोला उनको सोचना चाहिए था इस विकेट पे 5 दिन आपको कौन बैट बॉलिंग करेगा। उस लिहाज से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है एक टेस्ट मैच यहाँ पर राहुल द्रविड़ कैप्टन थे 2007 बार, आप शायद वो दौड़े में आए भी थे, उन्होंने इस पिच पे शायद दोस्त अनिल कुंबले हरभजन दोनों को खिलाया था। हाँ, उस कहानी को भी हमारे दर्शकों को बोल, बिल्कुल वो अगर आप देखा, बैटिंग में 100 बनाए थे यहाँ पर ये 2007 की बात है, 2007 वाले वर्ल्ड टेस्ट मैच में, और वो स्पिनर, और इंडिया देखिए इंडिया जब दो चैंपियन स्पिनर थे उनके पास कुंबले हरभजन, शुरू में अनिल कुंबले के साथ ऐसा होता था कि उनको बैठाया जाता था, लेकिन बाद में ये लोग रेगुलर खेले, तो मुझे लगता है कि अश्विन का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे ओवरसीज में बहुत इंप्रूव हुआ है, बहुत इंप्रूव है। साउथैम्पटन में जो पिछली बार WTC में जडेजा से बेहतर गेंदबाज थे, अब 5 लेफ्ट हैंडर है इस ऑस्ट्रेलियन टीम में, बाउंस है यहाँ पर, आप देखा ट्रैविस हेड कैसे पहले जडेजा के इनिशियल ओवर्स में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए मैं संदीपन एक चीज जरूर कहूंगा, अगर इंडिया ये मैच नहीं जीतती है, ड्रॉ होता है या नतीजा उल्टा रहता है, ड्रॉ तो नहीं होगा, 6 दिन का टेस्ट मैच है, तो इंडिया अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी हमेशा, उनको ये जो है ना उनको लगेगा कि एक चैंपियन बॉलर के साथ ये गलती जो है ना इनको सताएगी। इससे मुझे लगता है पूरी इंडियन टीम को और डिटरमिनेशन, अश्विन के लिए, किसी और के लिए भी नहीं, अपने एक टीममेट के लिए, वर्ल्ड कप पिनाकल तो है, ये गलती का एहसास, चाहे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी पड़े या गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेनी पड़े, लेकिन ये जो अश्विन डिसीजन जो है ना चूंकि पूरी टीम ने लिया है, इसकी भरपाई करना ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है, मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है संदीपन, नया बॉल हमने लिया है, सेकंड न्यू बॉल, कल सुबह थोड़ा बहुत क्लाउड कवर रहता है, हम 2-3 विकेट ले जाते हैं, हम कमबैक कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने शुरू के आधे घंटे में 2 विकेट भी लिया, मैच तुरंत खुल जाएगा, आउट कर दिया। हाँ, तो सडनली एक नया ऑस्ट्रेलिया का ये, और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया हिप पे विकेट खोती है, कोलैप्स होता है, कोलैप्स होते हैं, हालांकि उनके पास अभी भी एलेक्स कैरी है, कैमरून ग्रीन है, उनके नीचे वाले जो बैट्समैन है पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क वो भी बैटिंग कर लेते हैं, तो देखिए मुश्किलें हैं लेकिन चांसेस हैं। जो आप कह रहे थे कि आज अगर हम 54-5 हो जाते तो मैच ही खत्म हो जाता है, 102 पर ऑल आउट हो जाते, 150 पर ऑल आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया 150-1 होता तो फिर मैच ही खत्म हो जाता। एक चीज़ जो है लास्ट में आखिरी में चलते चलते संदीपन, कहीं आपको लगा कि टीम में वो एनर्जी की कमी दिखाई? दिनेश कार्तिक ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा विराट कोहली कप्तान रहते तो ऐसी टाइम में टीम को लिफ्ट करते हैं एनर्जी को, ये बात आप कितना कार्तिक किस बात से? मुझे लग रहा है कि सबका जो है कप्तान
कप्तानी का डिफरेंट टाइप होता है। आप सौरभ गांगुली एक तरफ के कप्तान, धोनी एक तरफ एकदम अलग कूल कंपोज कप्तान थे, आप सौरभ गांगुली थोड़ा पम्प्ड अप, विराट कोहली एक तरीके के कप्तान है, रोहित शर्मा एक तरीके के कप्तान है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बॉडी लैंग्वेज, चलिए आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग रवैया होता है कप्तानी का। बिल्कुल, मैं क्लासिक एग्जांपल यहाँ पर गांगुली और धोनी का ही देना। हाँ हाँ बिल्कुल, वही है वही है। तो देखिए हमारे दर्शक तो अब थोड़ा सा मायूस तो हुए हैं, मायूस हुए हैं, लेकिन उम्मीद का दामन मत छोड़िए, आप लोग मैच देखिए, हम लोग 5 दिन हैं। अरे हमारे बैट्समैन भी रन बनाएंगे, बैट्समैन रन बनाएंगे, इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, टीम को सपोर्ट कीजिए। कल बर्मिंघम में थे लास्ट ईयर, जाते जाते ये एक आशावादी बात बन, ये देखो कल हम लोग को लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन इंग्लैंड ने कैसे चेज कर दिया, आखिरी दिन चेज कर दिया, तो वो पुराना जमाना चला गया कि आखिरी दिन आप 350 और ये बैटिंग लाइन अप है, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास भी सिर्फ एक ही स्पिनर है। हाँ, तो उम्मीद का दामन आप लोग मत छोड़िए, लगातार देखते रहिए संदीपन के चैनल को भी, संदीपन बैनर्जी, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जो संदीपन के जो फैन है हमारे विमल कुमार के भी चैनल पे आप आके देख सकते हैं। थैंक यू विमल जी जुड़ने के लिए, और ये एक्सपेरिमेंट देखिए, इंडिया तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो चल जाए तो ठीक है। चलिए नमस्कार नमस्कार, थैंक यू बाय बाय।